बड़े बड़े यूट्यूबर्स के भी वीडियोस देखे हैं, तो मैंने उन लोगों में बहुत कम लोगों को ऐसा देखा है जो कि ब्यूटी ब्लेंडर या फिर मेकअप ब्रशेस को भी इंक्लूड करते हैं, बट मैं इसमें ब्यूटी ब्लेंडर एंड मेकअप ब्रशेस को भी इंक्लूड करा है, इसमें सीरम तक इंक्लूड किया है। मैंने भी अपने नोज पे अप्लाई करा एंड आप लोग इसकी पिगमेंटेशन देख सकते हैं कि जैसे एले गर्ल आप ब्राइडल मेकअप पे यूज कर सकते हो, कि उसका ड्यूप आप बोल सकते हैं, काफी अच्छा वर्क करता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मेरे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। सो आज का जो वीडियो है वो जिस टॉपिक पर है आप लोगों को तो पता चल गया होगा। जी हाँ, तो आज का वीडियो है मेकअप प्रोडक्ट्स अंडर 100 रुपीज। हम सारे प्रोडक्ट अंडर 100 रुपीज के ही होंगे। कुछ प्रोडक्ट्स मतलब 2 से 3 जो प्रोडक्ट्स होंगे ना वो 100 से थोड़े से ऊपर हो सकते हैं, बट मोस्टली जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ना वो 100 अंडर 100 रुपीज़ हैं। एंड इसमें तो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने जो इंक्लूड किए हैं ना वो 65 to 68 भी है, बट ऐसा बिल्कुल भी आप लोग मत सोचिएगा कि अगर ये अंडर 100 रुपीज़ प्रोडक्ट हैं तो ये मेकअप अच्छा लुक क्रिएट करने में आपकी हेल्प नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है ना कि मैंने इसमें उन्हीं प्रोडक्ट्स को शामिल किया है ना जिसे मैं खुद पर मैंने यूज़ करा है। एंड ये जो मैं इसमें आपको जो मेकअप प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ ना वो सभी स्किन टाइप्स के लिए है, मीन्स चाहे आपकी स्किन जिस भी टाइप की हो आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी हो तो भी आप यूज कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड वीडियो को स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड इसमें जो भी प्रोडक्ट्स का यूज करा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर के इजीली परचेस कर सकते हैं। एंड इसमें सीरम तक इंक्लूड किया है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम मेकअप में ना टोनर की बात करते हैं। तो टोनर के लिए ना आप ये गुलाबड़ी का यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा टोनर का ये वर्क करता है एंड ये इजीली 20 to 30 रुपीज में कहीं भी मिल जाता है। यहाँ पर मैंने ये डाबर का गुलाबड़ी रोज वाटर लिया है। टोनर के बाद बारी आती है मॉइस्चराइजर की। मॉइस्चराइजर के लिए ना मैंने यहाँ पर नीविया सॉफ्ट मॉइस्चराइजर यूज करा है एंड इसका जो मैंने ना यहाँ पर इसका बड़ा वाला फाइल लिया है, ये 100 ml का है। आप 100 ml 185 है बट 150 में आ जाता है। अगर आप इसका 50 ml वाला जो आता है वो आप लेंगे तो वो इजिली आपको 70 to 75 रुपीज में मिल जाएगा। मॉइस्चराइजर के लिए ना मेरे पास 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट है ये हिमालय का बेबी मॉइस्चराइजर, ये भी काफी अच्छा मॉइस्चराइजर है। ये आलमंड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल के साथ है, ये क्लिनिकली टेस्टेड है। चूंकि ये बच्चे का प्रोडक्ट है तो इसे तो कोई भी यूज कर सकता है, सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। एंड ये 100 रुपीज इसका रिटेल प्राइस है बट ये इजिली आपको 90 to 95 में मिल जाएगा। सो यहाँ पर मॉइस्चराइजर के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट बारी आती है सीरम की। तो सीरम के लिए मैंने बहुत ज्यादा सर्च करा तो मुझे सीरम कोई भी अंडर 100 तो क्या, अंडर 300-400 में भी अच्छा सीरम, अंडर 100 तो क्या, अंडर 200 अंडर 300 में भी मुझे कोई भी अच्छा सीरम नहीं मिला। अगर मैं यहाँ पर गुड वाइब्स का रोज ग्लो सीरम भी यूज भी इंक्लूड करती हूँ ना तो वो अंडर 250 हो जाएगा। सो सीरम के लिए ना ये जॉनसन्स बेबी जो ऑयल होता है ना इसे आप एज अ सीरम यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा ये ग्लो प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट अगर आप इसे नाइट टाइम यूज करते हैं ना तो ये काफी अच्छा होता है, आप इसके जगह पे ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है प्राइमर की। तो प्राइमर के लिए मैं यहाँ यूज करूंगी ये बोरो प्लस की एलोवेरा जेल, काफी अच्छा प्राइमर है ये एंड ये 110 रिटेल हो रहा है, बट मैंने इसे ऑनलाइन लिया था ना तो मुझे ये 134 में 2 पड़ा था। काफी अच्छा प्राइमर का ये वर्क करता है, बट अगर आप इसे नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप ये ब्लू हेवन का प्राइमर यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा फ्लॉलेस ये बेस देता है स्किन को। एंड ये इसका जो छोटा वाला पैक होता है ना वो 150 या 145 में आपको मिल जाएगा। तो मैंने पहले भी बोला कि 10 बेस इधर उधर तो होते रहते हैं, क्योंकि मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप 10 या 20 या 30 रुपए के लिए ना मेकअप प्रोडक्ट्स में कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि ये हमारे स्किन से रिलेटेड होता है। सो स्किन के प्रति तो हम लोग रिस्क नहीं ही ले सकते। सो प्राइमर के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, दोनों ही प्राइमर के लिए काफी अच्छा वर्क करता है। इवन मैंने अभी जो लुक भी क्रिएट करा है ना वो इन्हीं सारी मेकअप प्रोडक्ट्स से करा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बारी आती है कलर करेक्टर की। सो कलर करेक्टर के लिए ना यहाँ पर मेरे पास ये 2 ऑप्शन है। ये एले गर्ल की प्रो कंसीलर है बट ये ओरिजिनल नहीं है एंड सेम ये भी है, ये आपको इजिली 110 या 120 में मिल जाते हैं ऑनलाइन। ये दोनों वर्क एंड वर्क दोनों की काफी अच्छी है, मीन्स मेरे पास एले गर्ल का जो है ऑरेंज कलर करेक्टर भी है तो वो तो भाई काफी कॉस्टली आता है, बट ये मैंने मंगाया था इसका ड्यूप आप बोल सकते हैं, काफी अच्छा वर्क करता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि जैसे एले गर्ल आप ब्राइडल मेकअप पे यूज कर सकते हो क्योंकि वो 10 to 12 hours इजिली स्टे करता है, बट ये जो है ना ये 10 to 12 तो नहीं बट हाँ 4 to 6 hours इजिली आपके डार्क एरियाज को कवर कर सकता है, उसे ये स्पॉयल नहीं होने देगा।
सो नेक्स्ट मूव करते हैं फाउंडेशन पर, एंड फाउंडेशन के लिए जो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है ना वो है ये लैक्मे क्वीन की 925 सीसी क्रीम। मैं बीबी क्रीम से ज्यादा सीसी क्रीम को प्रेफर करती हूँ, जस्ट बिकॉज कि इसमें ना कलर करेक्टर भी होता है, एंड अगर आपके लिटिल बिट डार्क एरियाज है तो वो उसे बहुत ही अच्छे से कंसील करता है, एंड ये इजिली 99 रुपीज में मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें ना तो ये ओलिविया की जो पैन स्टिक है ना काफी अच्छी है ये, मतलब मैंने खुद इसे वेयर करा है, ये इतना अच्छा मेकअप लुक प्रोवाइड करता है ना, एंड इजिली मेकअप आपके फेस पर 6 to 8 आवर्स स्टे करता है। इसमें जो मेरा सेड है वो 01 है, एंड ये इजिली आपके लोकल मार्केट में अंडर 100 रुपीज मिल जाएगा। सो फाउंडेशन के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, और ये कंसीलर का भी वर्क काफी अच्छे से करता है। सो नेक्स्ट बारी आती है कंसीलर की, कंसीलर के लिए मैं यहाँ NY Bay का कंसीलर बोलूंगी, काफी अच्छा कंसीलर है ये, एंड ये रिटेल तो करता है 195, बट ये इजिली सेल में पर्पल या नाइका पे कभी कभी 125-130 में भी मिल जाता है। So, कंसीलर के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा कंसीलर है ये। नेक्स्ट बारी आती है मेकअप को सेट करने की, तो कॉम्पैक्ट की, कॉम्पैक्ट के लिए यहां ये ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट अंडर 100, काफी अच्छा कॉम्पैक्ट है ये। अंडर 100 तो क्या ये अंडर 70 है, ये लिखा रहता है 75 का, बट ये इजिली 60-65 में आपके लोकल मार्केट में मिल सकता है। एंड नेक्स्ट लूज पाउडर तो अंडर 100 में नहीं आता है, क्योंकि अगर आप लैक्मे का भी लेंगे तो जो वर्क लैक्मे करता है ना उसके जगह पर मुझे ये जॉनसन बेबी का पाउडर काफी अच्छा लगता है। मेरे पास इसका बड़ा वाला पाउडर है, आप लोग इसका छोटा वाला ले सकते हैं, वो इजिली 55 रुपीज में मिल जाता है, ये काफी अच्छा लूज पाउडर का वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आईब्रो की तरफ, तो आईब्रो के लिए ये स्विस ब्यूटी का जो आईब्रो पेंसिल होता है ना काफी अच्छा लगता है। इसमें जो मेरा सेड है वो डार्क ब्राउन है, एंड आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे काफी ज्यादा यूज किया है, इतना ही ये बचा हुआ है, एंड इसका प्राइस है ओनली एंड ओनली 58 या 60 ऐसे ही है समथिंग। इसे मैंने नाइका से परचेस किया था, और सबसे बड़ी बात ना कि यहाँ ब्रश मिल जाता है काफी अच्छे से, आप इससे अपने ब्रोज को सेट कर सकते हैं। सो आईब्रो पेंसिल के लिए मेरे पास ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं काजल की तरफ, तो काजल आप ब्लू हेवन का भी ले सकते हैं, वो इजिली 70-80 रुपीज में मिल जाता है, बट मैं यूज करती हूँ लैक्मे का काजल जो कि 160 या 170 में चलता है। भाई काजल ना हमारे आंखों से रिलेटेड होता है, एंड आजकल तो काफी ज्यादा आई इन्फेक्शन वगैरह चले हैं, तो मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग या तो लैक्मे का काजल ले लो या फिर आप प्लम का भी ले सकते हैं, काफी अच्छा काजल होता है उसका भी। नेक्स्ट मूव करते हैं लाइनर की तरफ, तो लाइनर के लिए ना मेरे पास आप लोगों के लिए तीन ऑप्शन है। फर्स्ट ये ब्लू हेवन काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी पुराना भी है एंड काफ़ी अच्छा भी होता है, और ये इजिली अंडर 100 तो क्या अंडर 50 मिल जाता है, इवन मैंने तो इसे 45 या 50 में ऐसे ही लिया था। नेक्स्ट जो है वो है ये इनसाइड का आईलाइनर है, ये भी काफ़ी अच्छा होता है एंड अंडर 100 आता है ये भी। नेक्स्ट जो है वो माय ऑल टाइम फेवरेट लैक्मे का आईलाइनर है, काफी अच्छा आईलाइनर है ये, आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं, एंड इसकी जो स्टेइंग पावर है ना वो भी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट बारी आती है मस्करा की, तो मस्करा के लिए मैं यहाँ ब्लू हेवन का मस्करा आप लोगों को प्रेफर करूंगी, काफी अच्छा मस्करा है एंड मैंने अभी भी इसे ही यूज करा है, बट इसका ये जो है ना वो काफी छोटा लगता है मुझे, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है तो लगाने में अच्छा होता है, बट ये वर्क काफी अच्छा करता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है कॉन्टोर की, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्टोर के लिए पाउडर कॉन्टोर सर्च करने का कोशिश करा, बट मिल रहा था लेकिन अच्छा नहीं मिल रहा था, तो मैंने पहले भी बताया कि मैं स्किन से रिलेटेड किसी भी तरह में ना आप लोगों के लिए रिस्क नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को जेन्युइन प्रोडक्ट्स दिखाऊँ। बट मुझे अंडर 100 रुपीज़ 109 या 110 में ये पर्पल से मैंने लिया था बेला वॉस्ते का, तो ये कॉन्टोर स्टिक है, काफ़ी अच्छा कॉन्टोरिंग करता है ये, अचानक से देख सकते हैं आप लोग, अचानक से जो एक होता है ना कि हाँ बहुत ज़्यादा भी फेस पे नहीं लगता है, एंड इसकी ब्लेंडेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड होता है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो अभी बात कर लेते हैं वाइट काजल के बारे में, तो ये स्टेक क्विर्की की वाइट काजल है, काफ़ी अच्छा लगता है, आप इसे भी ले सकते हैं, एंड ये 139 में आता है, आप सेल में जाके देख सकते हैं, कभी कभी तो ये 120 या 125 में भी ईजिली मिल जाता है। सो नेक्स्ट अगर आई शैडो पैलेट की बात करें ना, तो मैं आप लोगों को एक ऐसा आई शैडो पैलेट सजेस्ट करूंगी ना जिसकी जो अगर आप ले लेते हैं ना तो आपको आई शैडो ब्लसर कॉन्चोरिंग एंड इसमें आपको हाइलाइटर भी मिल जाता है। यहाँ पे मैंने पूरा इसका हाइलाइटर जो है ना वो कर दिया है, काफ़ी अच्छा देखिए मैंने भी अपने नोज पे अप्लाई करा, एंड आप लोग इसकी पिगमेंटेशन देख सकते हैं कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है ये, मतलब काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड लगता है ये, और इसमें आपको हाइलाइटर भी मिल रहा है एंड यहाँ पे इसमें आपको कॉन्चोर भी मिलता है। तो ये एक ऐसा पैलेट है ना जिससे अगर आप ले लेंगे तो आपको ब्लश कॉन्चोर हाइलाइटर आई शैडो
आपको ना ग्लिटर सेट भी मिलते हैं, मैट सेट भी मिलते हैं, फिर से ब्लशर भी मिलता है, हाइलाइटर भी मिलता है, एंड कॉन्टोर के लिए कॉन्टोर भी मिलता है। काफी अच्छा कॉन्टोर करता है ये। एंड अगर इसकी पिगमेंटेशन की बात करें ना, तो लेट्स सी, इसमें तो मेहंदी है, मैं यहाँ दिखा देती हूँ। देखिए आप लोग देख सकते हैं इसका पिगमेंटेशन कितना अच्छा है, मतलब वाओ पिगमेंटेशन है। एंड हाइलाइटर की तो मैं क्या ही बात करूं, मैंने तो दिखाई दिया हाइलाइटर। सो अगर आप लोग हिलोरी डोटा का आई शैडो पैलेट ले लेते हैं ना, इसमें जो मेरा सेट है ना वो 01 है, एंड ये मुझे एंड इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस करा था, ये 150 में पड़ा था मुझे शायद। काफ़ी अच्छा आई शैडो पैलेट है। अगर आप ये तो अगर आप मेकअप करेंगे तो नेल पेंट भी लगाएंगे, तो नेल पेंट के लिए ना मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूँगी ये पर सोनी नेल पेंट, काफ़ी अच्छा होता है। इवन मैंने अभी भी वही नेल पेंट लगाया है, एंड ये 30 रुपीज़ में मिलता है, बट इसकी स्टेइंग पावर भी काफ़ी अच्छी है, लाइट भी काफ़ी अच्छा है। और सेकेंड है ये ब्लू हेवन की नेल पेंट है, ये भी काफ़ी अच्छी है। ऑफ कोर्स फाइनल सी बात है, जब आप नेल पेंट लगाएंगे तो उसे रिमूव करने के लिए भी आपको चाहिए। तो ये है ये ब्लू हेवन की डिप एंड ट्विस्ट नेल पेंट रिमूवर, काफ़ी अच्छा है। मतलब इसमें कुछ भी ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, ये हम जैसे लेजी लोगों के लिए है, कुछ नहीं करना है, बस डिप करना है एंड ट्विस्ट कर लेना है, देन आपका नेल पेंट जो है वो इजिली रिमूव हो जाएगा। सो नेक्स्ट बारी आती है हाइलाइटर की, तो हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ आपको रिकमेंड करूँगी मार्स की हाइलाइटर, जिसमें मेरा सेट है 02 लकी। काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है ये, मैंने इसे ना तोड़ दिया, मैंने इसे इतना ज़्यादा लगाया ना कि ये टूट गया है। वैसे मैंने नहीं तोड़ा, मेरे बाबू ने गिरा दिया इसे, मैंने लगा करके इसे बेड पे रखा था तो वो गिरा दिया, बट फिर भी ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं इसे अभी भी यूज़ करती जाती हूँ। एंड इसका भी जो पिगमेंटेशन है ना काफ़ी अच्छा है। मैं कहाँ लगा के दिखाऊँ, यहाँ लगा के दिखाती हूँ, देखिए काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन है इसका भी। हैंड स्वेचेस भी दिखा देती हूँ मैं, देखिए कहाँ लगा, यहाँ लगा देती हूँ मैं, सो यू कैन सी। और इसमें जो ग्लिटर पार्ट है ना वो ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल लिटिल बिट ग्लिटर पार्ट है। सो और ये मैंने ना फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, ये मुझे 110 या 111 में पड़ा था। सो आप लोग इसे ईजिली परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है ब्लशर की, तो ब्लशर के लिए मैं यहाँ आप लोगों को सजेस्ट करूँगी ये इनसाइड का ब्लशर, काफ़ी अच्छा ब्लशर होता है ये। एंड ये अंडर 70 रुपीज़ मुझे रिसीव हुआ था जब मैंने इसे परचेस किया था, तो उस समय मैं क्या है ना कि मैं मोस्टली प्रोडक्ट्स नाइका या पर्पल से लेती हूँ। सो उस टाइम नाइका पे फ्राइडे सेल या कोई सेल चल रहा था, तो उसमें इसका प्राइस ना उस टाइम 68 में मिल रहा था, तो मैंने ले लिया क्योंकि काफ़ी अच्छा ब्लशर है ये। एंड इसका भी पिगमेंटेशन ना जस्ट वाव है, मतलब क्या मैं बताऊँ। आप इसे एज अ आई शैडो भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ लगा के दिखाती हूँ, देखिए काफ़ी अच्छा ब्लशर है ये, काफ़ी अच्छा पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है इसका, अंडर 100 रुपीज़ काफ़ी अच्छा है ये। सो अब बारी आती है ब्रशेस की एंड ब्यूटी ब्लेंडर की, तो वो भी मैं आपको अंडर 100 रुपीज़ दिखाऊंगी। तो मैंने ये ब्रशेस आपको दिखाए थे, तो ये 139 का है, काफ़ी अच्छा है। इसमें ये स्किन प्लस की ब्रशेस हैं, इसमें आपको 10 पीस ऑफ ब्रशेस रिसीव हो जाएंगे, जिसमें से कि आपको 5 जो है ना वो फेस के लिए मिलेंगे एंड 5 जो है वो आई मेकअप के लिए मिलेंगे। सो काफ़ी अच्छा ब्रशेस है, मेरे चैनल पर इसका ऑलरेडी रिव्यू वीडियो है, तो अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा है ये, नॉर्मली बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा सा ये मेकअप ब्रश का सेट मुझे लगता है। एंड अगर ब्यूटी ब्लेंडर की बात करें तो ये ब्रॉन्जल की, हाँ ये ब्रॉन्जल की ब्यूटी ब्लेंडर है, मुझे नाइका से अंडर 199 में रिसीव हुई थी। सो ये काफ़ी अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है ये, आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट बारी आती है लिपस्टिक्स की, तो लिपस्टिक्स के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। फर्स्ट जो लिपस्टिक है वो है ये मैटमे की लिपस्टिक, काफ़ी लोगों की बहुत ज़्यादा पसंद होती है ये, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये लिपस्टिक। नेक्स्ट जो है वो है ये 7 Seas की मैट लिपस्टिक, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है ये, एंड ये मुझे लगता है कि 60-65 में इजीली आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगी। सो नेक्स्ट है वो है ये ब्लू हेवन की स्पेशल लिपस्टिक, एंड ये जो वो नेचुरल लिपस्टिक होता है ना ग्रीन कलर में होता है, लगाने के बाद नेचुरल कलर आ जाता है वो है, और ये 50-55 रुपीज़ में आपके लोकल मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। पिंक लिपस्टिक के लिए मेरे पास है ये ग्रेट चॉइस 610 जिसमें सेड है, एंड ये पिंक लिपस्टिक है, काफ़ी अच्छी सी लिपस्टिक है ये, इसका भी सेड काफ़ी अच्छा है। अगर आपको पिंक लिपस्टिक लगानी है तो आप ये परचेस कर सकते हैं, ये भी इजीली 60-65 रुपीज़ में लोकल मार्केट में मिल जाती है। बाद ये हिलोरी रोडा की एक और मैट लिपस्टिक है,
एंड ये भी इसका भी जो सेट है ना वो काफी प्यारा है एंड आप इसे इजिली डे टाइम में यूज कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये रहा इसका सेट, काफी प्यारा सा, मतलब पिंक पिंक में भी ना एक डार्क पिंक, ना तो ज्यादा डार्क बोलेंगे ना तो ज्यादा लाइट बोलेंगे, काफी अच्छा पिंक सेट लगता है। इवन इसका जो ये डब्बे का कलर है ना बाहर वाला, इसी कलर का है ये लिपस्टिक, काफी अच्छा लगता है ये। थोड़ा सा लिटिल बिट आप अगर ऊपर जाते हैं तो ये है लैक्मे की 9 to 5 लिपस्टिक एंड ये 150 में इजिली आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगी। एंड अगर आप सर्च करते रहेंगे तो आपको ऑनलाइन भी काफी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगी। आई जस्ट होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो एंड मैंने इसमें सारे प्रोडक्ट्स को कैच करने की कोशिश करा है, इवन मैंने इसमें ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्रशेस को भी इंक्लूड करा है। सो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो, मेक श्योर अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।